बेटा सबसे पहले हम लोग पाइथन को यहाँ पे ओपन करेंगे, और ये जो पाइथन हमारे सामने आ रहा है ये कौन सा मोड है? दैट इज इंटरेक्टिव मोड। और ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको हम क्या चीज़ बोलते हैं? पाइथन प्रॉम्प्ट। क्योंकि ये जो पाइथन हमारा जो लैंग्वेज है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस्ड का मतलब कि जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे नहीं इसको, हम समझेंगे नहीं इसको। और ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए हम थोड़ा कुछ दिन के बाद हमेशा हर हर थ्योरी के पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिकल पे चले जाते हैं। क्योंकि जब तक ये देखोगे नहीं कि ऐसे होता है, ये चीज़ें होती हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और ऑपरेटर्स जो हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस मोड को जो हम बोलते हैं, ये जो हमारे सामने ये आता है, इसको हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। ये जो लेस देन वाला तीन सिंबल है, ये रिलेशनल ऑपरेटर टाइप का लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। ठीक। और पाइथन प्रॉम्प्ट पे ही हम सारा जो सिंगल लाइन, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन होता है। मतलब तो कोई एक स्टेटमेंट अगर एक लाइन का है, उसको अगर हमको एग्जीक्यूट कराना है, तो हम पाइथन प्रॉम्प्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जैसे जैसे 5 + 8 है तो 13, यहाँ पर डायरेक्ट ये आ गया वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए हमने किया क्या कि इसमें हम लोग को यूज़ करना है अब अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हमने बताया था कि इसको आप चाहें तो कॉन्फ़िगर आईडियली से इसको जूम भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ अगर छोटा है तो आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके किया, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आप लोग को और थोड़ा सा क्लियर विजन दिखता होगा। ठीक है, अब पाइथन इसमें जैसे हम लोगों ने, अब हम सिंपल एक एक ऑपरेटर से शुरू करते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर था हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने पढ़ा था प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अब उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो जैसे देखें, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, सपोज करिए ए इज इक्वल टू 10 हमने लिखा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 हो गया, और बी इज इक्वल टू अगर हमने 20 कर दिया, यानी ए और बी दो की जो वैल्यू है 10 और 20 असाइन हो गया है, 10 और 20 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं और क्लियर आप लोग को दिखेगा। ठीक है, 10 और 20 कर लिया हम लोगों ने। और अब यहाँ पे हम करते क्या हैं कि हमने लिखा, पहला जो ऑटोमेटिक ऑपरेटर होता है दैट इज प्लस, प्लस ऑटोमेटिक ऑपरेटर होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी किया, यानी ए और बी की वैल्यू को, ये जो ए एंड बी है, ये दीज आर ऑपरेंट। ए और बी क्या हो गया? ऑपरेंट हो गया, और प्लस हमारा हो गया ऑपरेटर। तो ए प्लस बी यानी हम दो, ये है क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब इसमें दो ऑपरेंट चाहिए और एक ऑपरेटर होता है। हमने इंटर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। इसी तरह से प्लस के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, तो ए स्टार बी, तो ए स्टार बी। अब स्टार क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। स्टार हमने लगा दिया, देखिए 200 आ गया। इसी तरह से ए माइनस बी, हाँ। तो अब ये जो प्लस हमने बता दिया, मल्टीप्लीकेशन स्टार बता दिया, अब उसके बाद जो ऑपरेटर होता है दैट इज सब्ट्रैक्शन वाला। यानी अगर हमने लिखा बी माइनस ए, यानी बी बी में बी की वैल्यू 20 है, 20 माइनस 10, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 10। अगर हमने ए माइनस बी भी लिख दिया तो क्या होगा? ए माइनस बी पे क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? माइनस टेन आएगा, यानी उसकी वैल्यू अब सब्सट्रैक्ट करके माइनस में वैल्यूज दे रहा। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब डिवीजन का बाकी है। अब देखिए डिवीजन जो ऑपरेटर होता है, अब डिवीजन क्या करता है? बी डिवाइडेड बाई ए, यानी अगर हमको अब वो मैथ वाला वो सिंबल नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे ये सिंबल यूज करते हैं बी डिवाइडेड बाई ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2.0 आ रही है। देखिए 2.0 यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसी में अगर हमने बी डबल स्लैश ए लगा दिया, डबल स्लैश भी एक ऑपरेटर है, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, डबल स्लैश। तो अब देखिए बी डबल स्लैश ए का मतलब ये क्या किया? इसने इंटीजर डिवीजन किया, यानी इसने इंटीजर डिवीजन किया, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको इसने स्किप कर दिया और इसने इसकी वैल्यू को इंटीजर में रिटर्न किया। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा 14.4 और स्लैश डबल स्लैश हमने इसको 2 से डिवाइड किया। कितने से डिवाइड किया? 2 से। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए था 7 पॉइंट, कितना आना चाहिए था? 7.1।
लेकिन जो आंसर आएगा वो आ रहा है हमारा 7.0, यानी ये इसने क्या किया कि शिफ्ट इंटीजर वाले पार्ट को होल्ड किया और फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दिया, तो डबल स्लैश का ये भी फॉर्म काम होता है। अब इसी तरह से एक ऑपरेटर और होता है मॉडुलस, तो मॉडुलस का बी मॉडुलस हमने ए लिखा, तो बी मॉडुलस ए जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, यानी बी को डिवाइड करेगा ए, यानी ए क्या, ये मॉडुलस साइन परसेंट साइन क्या करता है, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है, हमने एंटर कर दिया, यानी बी की वैल्यू को जीरो आ गई। लेकिन अगर हम इसी में 14 मॉडुलस अगर हम 5 लिखते, 14 माइनस 5, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो देखिए इसका रिमाइंडर आपको 4 दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये देखिए 14 मॉडुलस 5 हमने किया, तो इसकी जो वैल्यू आई दैट इज 4, और यहाँ पे बी मॉडुलस है, यानी बी की वैल्यू तो 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी और ए की वैल्यू 10 थी, इसको अगर हमने किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर, रिमाइंडर की जो वैल्यू है दैट इज इवन में आ रहा है, और यहाँ पे ऑड में आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है। अब इस तरह से इसके बाद अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं, उसके बाद कुछ सम लॉजिकल ऑपरेशंस भी या कुछ रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारा आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ए मॉडल ए इज ग्रेटर देन बी किया, तो यानी ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी हमने किया, एंटर किया, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब देखिए ये जो फॉल्स वैल्यू आ रही है इसको हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी है, बुलियन वैल्यू, और इसकी वैल्यू बुलियन जो वैल्यू होती है वो तो या तो 0 आएगी या तो 1 आएगा, तो 1 का मतलब ट्रू हो गया और 0 का मतलब फॉल्स हो गया, तो यानी बुलियन वैल्यू फॉल्स आ रही है, ठीक है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगर हम इसको लेस लगाते हैं, ए इज लेस देन बी, तो इसकी इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 20, ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इसी तरह से इसको देखते रहिए। अब इसी तरह से ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ना, तो इस तरह से लिखते हैं, सॉरी ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू लेस हो या इक्वल हो, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, कंडीशन ट्रू आएगा, क्योंकि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है। लेकिन हम इसको अगर इस तरह लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, यानी यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, वो ग्रेटर भी नहीं है और ना इक्वल है, ठीक है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसी तरह से अगर मान लो हमने यहाँ पे लिखा सी इज इक्वल टू 10, सी भी हमने बोला, ठीक है, और हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, ठीक है, यानी ए की वैल्यू सी से बड़ी है या इक्वल है, तो सी से ए की वैल्यू भी 10 है, सी की वैल्यू भी 10 है, तो ए जो है सी से बड़ा नहीं है, लेकिन नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, यहाँ पे ट्रू, बोलो, तो यस सर, हाँ, इस तरह से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 10 रखा, बी की वैल्यू 20 रखा, सी की वैल्यू 30 रखा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, यानी 10 इज ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह देंगे ए इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आएगा, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो सी से बड़ी नहीं है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी 10 जो है 10 से बड़ा नहीं है, कंडीशन ये फॉल्स है। लेकिन अगर हम लगा देते हैं ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, तो ये कंडीशन हमारा क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी, यहाँ पे भी कंडीशन क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। तो इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं, और ये हो गया। अब इसी तरह से अगर मान लो हमको चेक करना हो एक और ऑपरेटर, ए इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इक्वल का सिंबल ये होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो ए की वैल्यू तो बी के बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया ट्रू। और इसी तरह से अगर हमने यूज किया ए इज नॉट इक्वल टू बी, और इसी तरह से अगर हमने लिखा ए इज नॉट इक्वल टू बी हो गया,
और अगर हमने यूज किया ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो यानी यहाँ पे जो कंडीशन आएगा दैट इज फॉल्स आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू भी 10 है, यानी 10 जो है 10 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप रिलेशनल ऑपरेटर को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने बताया था कंपैरिजन एक ऑपरेटर डबल इक्वल वाला, देखिए एक सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में बहुत डिफरेंस है। अब जैसे डबल इक्वल में हमने लिखा था कि ए इज इक्वल इक्वल टू बी, यानी ए जो है ये, यानी डबल इक्वल जो लगता है ऑपरेटर, ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, और दोनों ऑपरेंड्स की इक्वलिटी को ये चेक करता है, बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो ये, अगर इक्वल वैल्यू होगा तो कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल वैल्यू नहीं रहेगा तो कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये डबल इक्वल जो होता है, डबल इक्वल कंपैरिजन करता है कि बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, ये इक्वलिटी को चेक करता है कि बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट होता है। समझ रहा है, इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और हमने देखिए अब यहाँ पे हमने लिखा ए इज डबल इक्वल सी, ठीक है, यानी सॉरी डबल इक्वल बी, अब यानी ए इज इक्वल इक्वल टू बी, तो यानी यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए फॉल्स आ गया, यहाँ पे कंडीशन आ गया फॉल्स। लेकिन अगर हमने लिखा है ए इज इक्वल इक्वल टू सी, ए इज इक्वल इक्वल टू सी, यानी यहाँ पे जब इंटर हम करेंगे तो यहाँ पे इसका कंडीशन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यानी ये ट्रू है, इक्वल है, बराबर है इसके, ठीक है। तो इस तरह से डबल इक्वल लगा करके, अब देखो हमने यहाँ पे सिंगल इक्वल लगाया, अभी हम लोगों ने लिखा था ए यहाँ पे ऊपर हमने लगाया था सिंगल इक्वल, देखो यहाँ पे लिखा था ए इज इक्वल इक्वल टू 10, तो ए इज इक्वल इक्वल टू 10 का मतलब क्या हो गया कि ए सॉरी ए इज इक्वल टू 10, यानी एक सिंगल इक्वल लगा था। तो सिंगल इक्वल क्या करता है, असाइनमेंट करता है, और हमेशा राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू में क्या होता है, असाइन होता है, ठीक है। इसी तरह से बी के साथ भी यही हुआ, 20 असाइन हो गया किस में, बी में, ठीक है। इस यही सेम चीज होता है डबल इक्वल में, ये चीजें नहीं है, डबल इक्वल लग जाता है, जैसे ही हम डबल इक्वल लगा देंगे तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, इक्वलिटी को चेक कर रहा है कि बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, बोथ सारे ऑपरेंड्स के इक्वलिटी को चेक करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये कंपेयर करता है बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। हम इस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें और समझ लें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आएगा, इसका कोई एक्सप्रेशन आएगा, इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के जो भी ऑपरेशन होते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो एज अ वैल्यू आता है, एज अ वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। और जब रिलेशनल ऑपरेटर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर की जो वैल्यू, जो भी चीज़ होता है रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी आएगा रिजल्ट, वो हमेशा लॉजिकल मतलब 0-1 के या बुलियन के फॉर्म में आता है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद जो आता है लॉजिकल ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि हम जानते हैं कि 2-3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, ठीक है। एंड और की खासियत हम लोग पढ़े भी हैं, हम लोगों ने लॉजिक गेट्स चैप्टर पढ़ा था, बुलियन अलजेब्रा वाला भी चैप्टर पढ़ा था, उसमें लॉजिक गेट पढ़ा था कि 3 मेन गेट होते हैं एंड और नॉट। अब वो जो गेट्स हैं वो हमारे उसके उस गेट के नाम पे यहाँ पे ऑपरेटर भी डिजाइन है, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और वो भी क्या है, सेम उसी तरह से हैं जिस तरह से लॉजिक गेट्स हमारे, ठीक। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर में भी हम ए बी को यूज़ करेंगे, ए बी और सी। अब जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा है ए इज लेस देन, ठीक है, और यहाँ पे एंड हमने लगा दिया, एंड ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर है, यानी एक कंडीशन है ए इज लेस देन बी, ठीक है, और दूसरा कंडीशन है ए इज लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पे लेस, हमने यहाँ पे और भी लगा दिया, लेस और इक्वल टू सी, तो यानी यहाँ पे ये जो कंडीशन है, पहला जो कंडीशन है ए इज लेस देन बी, यानी ए इज लेस देन बी मतलब 10 इज लेस देन 20, कंडीशन यहाँ पे हमारा ट्रू है, और ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी, यानी यहाँ पे जो है ए जो है लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है सी के,
तो यानी यहाँ भी कंडीशन ट्रू है, तो एंड के केस में क्या होता था, याद करिए आप लोग, हमने पढ़ा था कि एंड के केस में दोनों कंडीशन जब ट्रू, जब तक ट्रू नहीं होते हैं तब तक रिजल्ट ट्रू हमारा नहीं होता है। इसका मतलब एंड के केस में सारे कंडीशन हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो यानी इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज, गलत हो गया एक मिनट, ये देखिए सिंटेक्स एरर आ गया, हम इनको लग रहा है कि टाइपिंग में थोड़ा सा इधर हो गया। हमने लिखा ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी, हमने ये लिखा था। अब देखो इंटर किया हमने, देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़, कोई बात नहीं, ठीक है ट्रू आ रहा है। अब इसी तरह से अगर मान लो हमको ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी अगर हम लिख देते हैं, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे ये तो कंडीशन ए लेस देन बी वाला तो कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है ए इज लेस देन सी, तो ए जो है सी के बराबर, सी से कम नहीं है, क्योंकि ए 10 इज लेस देन 10, यानी ये कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो एक ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या आना है, फॉल्स आना है। देखो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकल के केस में सारे कंडीशन हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अब जैसे देखो मान लो ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, ग्रेटर देन सी, यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आना है, ठीक है। इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हमने लिखा ए इज लेस देन बी एंड एंड नहीं और, अब हम और का यूज कर रहे हैं, और ए इज लेस देन सी। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा तो एरर फॉल्स आ रहा था, एरर का मतलब कि फॉल्स आ रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को लिखते हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे गेट हमारा कौन सा लग गया है, और है, लॉजिकल ऑपरेटर और लग गया, यानी दोनों के केस में देखिए एंड और यहाँ पे और, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगला जो है, अगला इसी तरह से और भी होता है। अब एक हम लोगों ने देखा था एन ओ टी नॉट, ठीक है। अब जैसे नॉट की खासियत क्या होती है, अगर हमने मान लो लिखा यहाँ पे नॉट, हमने लिखा ए इज लेस देन बी, यानी अब नॉट क्या करता है, लॉजिकल नॉट की खासियत क्या होती है, क्योंकि नॉट गेट जो होता है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, और नॉट गेट की खासियत ये होती है कि वो कोई भी चीज़ अगर है उसको, मतलब जो भी वो है एक्सप्रेशन है उसका उल्टा कर देता है। अब नॉट ए इज लेस देन बी, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। देखिए क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ए इज लेस देन बी, 10 इज लेस देन 20। अब नॉट यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, अब ट्रू नॉट, तो यानी नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, जो भी कंडीशन है ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, तो ट्रू को इसने फॉल्स कर दिया। लेकिन अगर हम इसी तरह से लिखते हैं नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, अब यानी ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न। तो नॉट का काम क्या होता है, नॉट कोई भी कंडीशन होता है उसको जस्ट रिवर्स कर देता है, रिवर्स द कंडीशन, उस वैल्यू को, कंडीशन को रिवर्स कर देता है, ये नॉट की खासियत होती है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और एफिशिएंटली आप अपने प्रोग्रामिंग को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो इन टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। ये जो टूल्स हैं ये आपके प्रोग्रामिंग स्किल को क्या करते हैं, बढ़ाएंगे, राइज करते हैं आपके प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एक हमने बताया था कि हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस मान लो 10, ठीक है, ए इज इक्वल टू प्लस 10, यानी अब ये एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, आप यानी इसका मतलब जब हम ए को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू कितनी होगी 20। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको एक दूसरे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, तो ए प्लस इक्वल टू आप 10 भी लिख सकते हैं, यानी ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अब हम ए को फिर प्रिंट करें तो 30 हो गया, 10 पहले से था, फिर एक बार हमने फिर यहाँ पर 20 कर दिया, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 30 हो गया। और हमेशा वेरिएबल जो है न्यू वैल्यू को होल्ड करता है, हमेशा वैल्यू किस वैल्यू को होल्ड करें, न्यू वैल्यू को। अब जैसे ए स्टार इक्वल टू 2 हमने लिख दिया,
यानी ये क्या करेगा, ये उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा, एक ही जो करंट वैल्यू होगी उसमें टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट, और अगर हमने यहाँ पे ए लिखा है तो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 60 आ जाएगी। इसी तरह से ए माइनस इक्वल टू 10, अगर हमने मान लीजिए या इक्वल माइनस इक्वल टू 30, अगर हमने 30 माइनस कर दिया तो अब प्रिंट अगर हम कराएंगे, प्रिंट हमने लिखा यहाँ पे ए, तो प्रिंट ए यानी कितनी वैल्यू आ गई, 30 आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप जो भी ऑपरेशन चाहें जो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ए मॉडुलस इक्वल टू अगर मान लो हमने कर दिया 2, ठीक है, अब फिर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराओ, प्रिंट ए, उनकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0 आ जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 30 में तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारी वैल्यूज को यूज़ कर सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही 10 हो, आप 3, 4, 5, 6 जो भी चाहें आप इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। अब हम लोग पाइथन प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे जिसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे देखो ये तो हमारा, ये तो सारे जो हमने कमांड बताया, ये सारी चीज़ें बताई, ये सब इंटरेक्टिव मोड में हमने सारा इंटरेक्टिव मोड में बताया। अब अगर हम मान लो इसी में स्क्रिप्ट मोड खोलना चाहते हैं, स्क्रिप्ट मोड खोलना चाहते हैं तो हम फाइल पे कहीं भी जाना, हमको फाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगा। न्यू फाइल पे हमने क्लिक किया तो न्यू फाइल ऐसे ओपन। अब ये जो हमारे सामने विंडो खुला इसको हम बोलते हैं, देखिए ये इंटरेक्टिव मोड हो गया पीछे, और ये बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में आपका आ गया स्क्रिप्ट मोड आ गया। अब इस पर स्क्रिप्टिंग यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, इंटरेक्टिव मोड में एट ए टाइम सिर्फ एक लाइन रन करता था, एक एक लाइन को रन करा था, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में मल्टीपल लाइन्स को हम क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट मोड की खासियत होती है। अब स्क्रिप्ट मोड का एक छोटा सा प्रोग्राम बताते हैं। स्क्रिप्ट मोड में जैसे प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे मान लो हमको लिंक में लिखा ए इज इक्वल टू, ठीक है, बी इज इक्वल टू सेम प्रोग्राम, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी हमने क्या किया कि सी में वैल्यूज को स्टोर कर दिया। अब इसको रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, जो हम लोग उसमें इंटरेक्टिव मोड में लिखते थे, इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट में ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सी। तो ब्रैकेट में हम सी लिखते हैं, यानी अब इसका यानी ए और बी की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, और सी जो है उसको मॉनिटर पर प्रिंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रन लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, तो रन यहाँ पे कराते हैं। रन ऐसे रन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखेगा पाइथन शेल चेक मॉड्यूल रन मॉड्यूल, या F5 प्रेस करते हैं। जब स्क्रिप्ट मोड में आएगा तो हम F5 प्रेस करेंगे, हमने रन मोड ऐसे क्लिक किया। अब कह रहा है सोर्स मस्ट बी सेव, यानी रन कराने के पहले हमको इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो रन कराने के पहले सेव करना पड़ेगा, तो सेव का भी मेनू डायलॉग बॉक्स आएगा, देखिए आगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मान लीजिए हमने सेव कर दिया, इसका नाम हमने रख दिया P1, हमने इसका नाम रख दिया P1। अब ये बाय डिफॉल्ट .py पाई नाम से क्या होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है .py होता है, उस नाम से ये प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये पहला हमारा प्रोग्राम है। अब देखिए रन कर गया ये प्रोग्राम, पहली बार जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया, आपको 30 दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप इसको यानी इसका ये आंसर आ गया। अब इसको अगर हमको फिर से वो करना है, अगर हम कुछ इस पर मैसेज डालना चाहते हैं तो ऐसे डबल कोट्स हैं, हमने लिखा रिजल्ट इज, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने ऐसे कॉमा लगा दिया, ऐसे कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पे जो कॉमा लगा करके, अब चूंकि ये जो फाइल है, देखिए हमने जो फाइल का नाम दिया था p1.py लिखा है यहाँ पे, इस नाम से ये स्टोर हो गया, और इसका जो लोकेशन है सी यूजर स्टूडेंट डेस्कटॉप p1.py, और वर्जन भी आ रहा है 3.7:3, हमारा जो पाइथन वर्जन है वो 3.7 वाला वर्जन है, तो उस वर्जन में जाके क्या हो जा रहा है, ये स्टोर हो जा रहा है। अब फिर हमने लिखा इसको F5 प्रेस किया, या रन पे जाएंगे रन मॉड्यूल, F5 प्रेस करिए रन मॉड्यूल करिए, अब देखिए फिर ये ओके किया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आपके सामने दिख रहा है रिजल्ट इज 30, यानी ये जो हमने मैसेज दिया था वो मैसेज हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब इसको आप देखिए ये इस तरह से मैसेज आ गया। अब देखिए स्क्रिप्ट कोड लाना है हमको, तो फिर हमने ऐसे क्लिक कर दिया, अभी बैकग्राउंड वाला बड़ा कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे अब जैसे अगर चाहते हैं आप वैल्यूज को चेंज करके भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप चाहते हैं माइनस लग दें तो माइनस लगा दिया यहाँ पे, अब फिर इसको रन कराइए
अब सेम प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं इसलिए हमको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, तो ओके कर दिया हमने। अब देखिए माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया वैल्यू, जब माइनस हमने लगाया तो माइनस 10 आ गया। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगाना चाहते हैं तो मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए। अब फिर हमने F5 प्रेस किया, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 200 कर दिया। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए डिवाइड करना चाहते हैं, A डिवाइडेड बाई B, यानी यह डेसिमल वैल्यू आएगी, हमने डिवाइड कर दिया तो देखिए 0 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरह से आप पाइथन के प्रोग्राम को बना बना करके चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और ये पाइथन का सेल है, ये जो है इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट का मतलब जैसे जिस तरह से कोई मूवी लिखी जाती है, मूवी की स्क्रिप्ट होती है, मूवी के स्क्रिप्ट का क्या होता है, मतलब उसमें शुरू से लेकर पूरी कहानी रहती है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें लिखी होती है, तो वही स्क्रिप्ट मोड होता है। तो वो सारा वो स्क्रिप्ट का मतलब कि पूरी एक कहानी लिखी, तो अगर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप इस स्क्रिप्ट मोड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और नई चीज़ बता दें आपको, जैसे मान लीजिए ये प्लस, तो हम बार बार ये जो 10 और 20 वैल्यू है हम चाहते हैं इस वैल्यू को फिक्स ना करें, तो हम इसके जगह पे यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं। यूज़र से क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। तो हम यहीं पे एक फंक्शन होता है इनपुट, इनपुट लिखते हैं। अब देखिए इनपुट लिखे हमने, लेकिन अब यहीं पे मैसेज आ गया और यहाँ पे हम लिख दें एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे लिख करके हमने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से हम यूजर से इनपुट चाहते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, हमने बी की वैल्यू को भी इंटर कराई, ठीक है। अब इसको फिर वही रन कराएंगे F5 से, हमने रन कराया तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए 6 आया, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ 8 आ गया, फिर इंटर, और यानी ये वैल्यू जो दे रहा है दैट इज 68 दे रहा है। यानी ये क्या कर रहा है कि उन दोनों को ऐड नहीं कर रहा, उन दोनों को एक साथ बस लिख दे रहा है, कॉन्केटिनेट कर दे रहा है, ठीक है। यानी ये प्लस साइन जो होता है ये स्ट्रिंग को कॉन्केट करता है। अब क्यों नहीं आ रहा है, तो यहीं पे क्या करते हैं हम, क्योंकि इंटीजर है ना, ये नंबर्स को हमको करना है तो हमको एक वर्ड बनाना पड़ेगा, दैट इज इंट, हम ऐसे इंट बना देंगे, इसको फंक्शन में डालना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो इनपुट फंक्शन है इसको भी फंक्शन में डालना पड़ेगा, हमको इनपुट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनपुट लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे जब इनपुट आ जाएगा हमारा, तो अब हम इसको रन कराएंगे फिर देंगे। देखिए आ गया इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो अब हमने इंटर द वैल्यू ऑफ ए हमने 6 एंटर किया और 8 एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू भी इनपुट इनपुट हुआ था 68 आ रहा था, 6 और 8 आ रहा था, और यहाँ पे जो इनपुट हुआ है दैट इज 14। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एक इंट फंक्शन को बढ़ाया, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ हम इनपुट करते हैं स्ट्रिंग में एज अ वो स्ट्रिंग होता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। तो हमने यहाँ पे इंट बढ़ाया तो ये सेम वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे भी बी वाले में भी देखो इंट हमने बढ़ा दिया, तो यानी सेम वैल्यू को इसने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड करके वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो सर? कंफ्यूजन है बेटा आदित्य? नहीं सर। अगर नोट करना चाहो तो तुम लोग नोट भी कर दो, कर सकते हो, नोट करना तो नोट कर लो इसको। सर अगर मेरा ऐसे ये